कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना साथ इन्हें इन फिजाओं का ना मिलता। कुछ तो बात है इन बहते झरनों में, इन वादियों में, वरना हमें खुद से रूबरू होने का मौका ना मिलता। जो हम अपने आसपास महसूस करते हैं, देखते हैं, ये जो खुशनुमा एहसास है, यही तो कुदरत है। और कुदरत ने इतनी सादगी से सजाए ऐसे ही एक सुंदर प्रदेश मेघालय में स्थित अद्भुत नज़ारों का अनुभव लेने चलते हैं चेरापूंजी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू ऑन दी वे। मैं हूँ शिवानी और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। जी हाँ, चेरापूंजी। और हम लोग आज उसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं, तो चलिए मेरे साथ, ले चलती हूँ आपको चेरापूंजी। चेरापूंजी इज अ स्मॉल टाउन फाउंड इन मेघालय स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 54 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ शिलोंग, विच इज कैपिटल ऑफ मेघालय इन द ईस्ट खासी हिल्स। सो गाइस, वी आर ऑन द वे टू चेरापूंजी। वहाँ पर हमारे पास समय काफ़ी कम है, तो वी ट्राई टू कवर विजिट प्लेसेस। और मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है, तो मज़ा आने वाला है। बट एक्सपेक्टेड है कि एज चेरापूंजी में कभी भी बारिश होती है, तो शायद वहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड है। देखते हैं क्या होता है। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ये जगह दुनिया भर में मशहूर है यहाँ की बारिश, वाटरफॉल्स, केव्स, बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और कैफेज के। चेरापूंजी इज ऑल्सो नोन एज सोहरा। दिस प्लेस इज होम टू द मोस्ट अमेजिंग वाटरफॉल्स। शिलोंग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये एक बाइफर्केशन आपको मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट में जो रास्ता है वो डाउकी की ओर जाता है, और ये जो रास्ता राइट में है ये रास्ता जाता है चेरापूंजी की ओर। चेरापूंजी इज प्रोबेबली द ओनली टाउन इन द कंट्री दैट सीज जस्ट वन सीजन थ्रू आउट द ईयर, दैट इज मॉनसून। मार्च से अप्रैल ये चेरापूंजी का पीक टूरिस्ट सीजन है, जब समर हॉलीडेज स्पेंड करने काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। आइडियली विंटर, जो कि चेरापूंजी में काफ़ी लंबा चलता है, दैट इज अक्टूबर टू फेब, ये चेरापूंजी का बेस्ट टाइम माना जाता है विजिट करने। अक्टूबर से नवंबर के दौरान यहाँ नॉन्क्रेम डांस फेस्टिवल भी होता है, जो कि यहाँ का एक और मेजर अट्रैक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, और यहाँ मानसून ऑलमोस्ट मई से सितंबर तक चलता है, तो इस दौरान आप यहाँ विजिट करना अवॉइड करें। बट अगर आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी और वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वक्त यहाँ का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। यह रास्ते में जाते वक्त एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, और शिलोंग से चेरापूंजी जाते वक्त ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट यहाँ 5 से 10 मिनट का हॉल्ट जरूर लेते हैं। ओके, डांसिंग ब्रिज के ऊपर हम पहुँच गए। यहाँ पर ये बेसिकली एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से एक वैली का, डीप वैली का व्यू आप देख सकते हैं। तो गाइज, हम लोग खड़े हैं, ये डॉन साइन सिस्टम व्यू पॉइंट है, और ये बहुत, हालांकि फेमस व्यू पॉइंट नहीं है, बट जितने भी टूरिस्ट शिलोंग से चेरापूंजी की तरफ विजिट करते हैं, तो इस साइट पर या इस व्यू पॉइंट पर एक 5 मिनट का हॉल्ट भी ज़रूर लेते हैं। इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आपको एक कैफेटेरिया मिलेगा, फूड कोर्ट और एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है। यहाँ की एंट्री फीस कुछ भी नहीं है,
और यहाँ पर आप अगर अपने व्हीकल से आते हैं तो पार्किंग का भी कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा, इट्स फ्री। यहाँ पर आप एक 10-15 मिनट अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक डीप वैली है जिसका व्यू देखने के लिए लोग बेसिकली यहाँ पर हॉल्ट लेते हैं। गाइस, चेरापूंजी इज ऑल्सो नोन एज सोरा। तो ये सोरा के आसपास विजिट करने वाले जो प्लेसेस है उसका एक छोटा सा शॉर्ट मैप है, जस्ट हैव अ लुक। मुझे एक बहुत ही प्यारी होर्डिंग दिखी और सही में वो दिल को छू जाने वाली होर्डिंग है, आप भी देखिए। काफी दिल को छू जाने वाली होर्डिंग है ये। आप नेचर को बचाएंगे, आपको नेचर काफी सारी चीजें रिटर्न में देगा, कई गुना ज्यादा। यहाँ आपको इस डीप वैली को एंजॉय करने जिप लाइन एक्टिविटी भी करने मिलेगी और आप अगर एडवेंचर फ्रिक है तो इसका मजा जरूर ले। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर जिप लाइन के लिए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर है, आप यहाँ पर आए तो ये कर सकते हैं। इसका 500 रुपए पर पर्सन है। चलो लेट्स रॉक टुगेदर। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन है डेंथेलिन वाटरफॉल। ये चेरापूंजी का एक बहुत ही सुंदर और मस्ट विजिट वाटरफॉल है। देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी कम है, हम जैसे जैसे टूवर्ड्स चेरापूंजी जा रहे हैं सारा फॉगी फॉग है, विजिबिलिटी कम होते जा रही है, बारिश भी है, हल्की सी बारिश हो रही है, दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे है बट मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। चेरापूंजी से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पहले ये वाटरफॉल लोकेटेड है जो कि काफी सुंदर वाटरफॉल है। और जैसे कि हमने लास्ट वीक ऑफ सितंबर में इस प्लेस को विजिट किया तो यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो रखा है। There is no visibility as such. Guys, we are at Denthalin Waterfall. ये चेरापूंजी का मस्ट विजिट वाटरफॉल है। अभी विजिबिलिटी इज वेरी लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अराउंड 10 फीट की दूरी पर भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पर वाटरफॉल का जो आवाज है झरने का वो आप सुन सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल चेरापूंजी का, सबसे बेटर है। ओके, और कितना टाइम लग गया आपको यहाँ आके? यहाँ आप आधा एक घंटा एक्सपेंड कर सकते हैं आराम से, एक्सपेंड कर सकते हैं जाना। हाँ ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू ऑन द वे। डेंथेलिन वाटरफॉल की ओर हम जा रहे हैं, आप रास्ता देख सकते हैं काफी स्लिपरी, हर जगह पर बारिश हो रखी है।
इस वाटरफॉल का स्पेशलिटी ये है कि यूजुअली हम जो भी वाटरफॉल देखते हैं वो ऊपर से नीचे आते हुए हम उसको देखते हैं, बट ये वाटरफॉल एक ऐसा वाटरफॉल है जिसको ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इस वाटरफॉल को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, मैं आपको उस नज़ारे का एक व्यू दिखाना चाहती हूँ, आइए देखते हैं वो व्यू, एक अद्भुत नज़ारा। आप यहाँ पे जो रेलिंग है उस तरफ थोड़ा सा प्रेस करके नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ से भी इसका नीचे उतरता हुआ व्यू आप देख सकते हैं, बट अभी पानी का फ्लो और फॉग की वजह से हम लोग ये रिस्क नहीं ले रहे हैं, इट्स बिट रिस्की। तो आप यहाँ से सिर्फ इसका व्यू देखिए कितना प्यारा ये अद्भुत नज़ारा है। भाई अभी बहुत सारा फॉग था लेकिन हवा के कारण ये थोड़ा फॉग हट गया है, आपको व्यू दिखाते हैं। उस जगह तक आप जाते हैं तो वहां से उसका फिर से एक नज़ारा ले सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ गया है जाते जाते, स्टार्टिंग में जब हम आए तो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था, अभी आप देखिए बट दिस इज मस्ट विजिट वॉटरफॉल व्हेन यू आर विजिटिंग मेघालय, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, इट्स ऑसम। दोस्तों आज का सफर यहीं तक, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन, अगले वीडियो में जल्द ही मिलती हूँ चेरापुंजी के ऐसे ही कुछ अट्रैक्शंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।